कानपुर थाना क्षेत्र के हारीचक चौक पर इन दिनों शरेआम टेम्पो चालक से रंगदारी टैक्स मांगने का मामला सामने आया है। मंगलवार को एक पत्रकार जब हारीचक से भगवानपुर आने के लिए टेम्पो पर सवार हुआ तो हारीचक चौक पर एक युवक टेम्पो को रोक दिया। टेम्पो ड्राइवर रसलपुर निवासी संतोष यादव से कहा, 50 रुपए रंगदारी टैक्स दो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, पैसेंजर को उतारो। इस बात पर टेम्पो ड्राइवर ने कहा कि आप कौन है, तो उस युवक ने कहा कि रुपया दो नहीं तो बता देंगे कि हम कौन है। इसी बात पर पत्रकार ने पूछा किसी चीज का रुपया मांग रहे हो, तो उस उक्त युवक ने प्रतापाक से कहा रंगदारी टैक्स लेते हैं। इस सुशासन की सरकार में खुलेआम टेम्पो चालकों से रंगदारी टैक्स मांगना पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जब उक्त पत्रकार ने इस बात की तहकीकात की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त रंगदारी मांगने वाला युवक हारीचक निवासी धर्मपाल महतो का पुत्र है। वहीं टेम्पो चालक संतोष यादव ने बताया कि यह युवक प्रतिदिन रंगदारी टैक्स के रूप में 50 रुपए मांगता है, नहीं देने पर कहता है नहीं दोगे रुपया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इधर इस संबंध में भगवानपुर थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इसकी जानकारी मिली है, आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। भगवानपुर से चंदन शर्मा की रिपोर्ट। बोलने सुनबे के लिए जे रंगबाजी टैक्स ले छे कई पर कर। कौन बोला? वो धर्मपाल का लड़का है सर। कहाँ का? वो हानीचा घर पर था। रोज रुपया मांगता है? रोज मांगता है डेली बाई डेली। कितना रुपया मांगता है? हर जब खाली जाए भाई भर्ती जाए 50 रुपया दो, 50 रुपया दो। रंगबाजी टैक्स देना ही पड़ेगा? हाँ देना ही पड़ेगा सर, बोलिए ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संतोष यादव। घर? रसलपुर, थाना भगवानपुर है सर। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।